जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो दिख नहीं सकता। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस हैव वेरी वेल। तो सबसे पहले ये बताओ, किस किस ने जवान देख ली है? जिसने जवान देख ली है, कमेंट्स करके अपना जवान से रिलेटेड जितना भी जो भी है आपके दिल में, मुझे कमेंट्स करके बताओ कि जवान किस किस ने देख ली है और जवान कैसी लगी। जैसी हमने उम्मीद की थी वैसी है या जवान उससे भी ज़्यादा बढ़ के है? देखो, मैंने जहाँ तक देखा है और जो मेरा दिल कह रहा है जवान के लिए, जवान की जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। और उससे भी ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि फाड़ ढाला, क्यों हिला ढाला ना, ये वाला सीन जवान ने किया है भाई। मैंने ना सच में बता रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग और इतनी ज़बरदस्त होने मूवी होने का मतलब उम्मीद नहीं की थी जितनी ज़बरदस्त ये मूवी है भाई। शाहरुख खान ने दिखा दिया कि किंग इज़ किंग, मतलब किंग तो किंग ही होता है और किंग से बढ़कर कोई नहीं है बॉलीवुड के अंदर। जैसे कि मैंने, आप सबने देखा होगा कि मैंने जब ट्रेलर, जवान का ट्रेलर आया था, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था, तो मैंने ये बोला था कि जो पठान है ना, वो जवान का आई थिंक 30-40% बोला था कि 30-40% है जवान का जो पठान थी। और लिटरली ऐसा ही हुआ कि जवान जो है वो पठान को कई कोसों मील छोड़ चुकी है, मतलब बहुत दूर दूर तक छोड़ चुकी है पठान को। और पठान कहीं दूर दूर से भी टच नहीं हो रही है जवान में। जवान जो है इतनी अमेजिंग मूवी है। जो जवान का ये वाला सीन है ना, ये पहले आप देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। इस वीडियो को देख के आप लोगों ने क्या सीखा? शाहरुख खान ने जो हमें समझाने की कोशिश की है वो, मतलब आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हर कोई इतना समझदार है आज की डेट में कि समझ सकता है कि हमें क्या सामने वाला क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जो समझाने की कोशिश शाहरुख खान ने इस मूवी के थ्रू हमसे की है, हमें समझाने की कोशिश की है, उस चीज़ को समझो, अपनी अहमियत समझो, अपने आप को समझो, अपनी पावर को समझो, अपने आप को मिसयूज़ ना होने दो, अपने आप को जो भी है ना, इस मूवी में जो शाहरुख खान ने हमें बताने की कोशिश की है ना, रियल ये बताने की कोशिश की है कि जो एक्चुअल में हमारी कंट्री में चल रहा है और जो हमारे साथ जो हो रहा है, उस चीज़ पे बताने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को बहुत डीपली समझो, बिकॉज़ अगर इस चीज़ को समझोगे आप तो अपने आप को मिसयूज़ होने से बचा सकते हो और अपने जो आपकी पावर है, जो आपका राइट्स है, उस चीज़ को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ की अहमियत समझ सकते हो। एंड देन मूवी के बारे में बात करते हैं कि जो मूवी है ना, मूवी मतलब पूरी जो टोटल मूवी है ना, उसमें शाहरुख खान ने हमें मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ऐसा नहीं है ये एक टॉपिक नहीं है, मूवी में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो हमें समझाने की कोशिश की है। तो लोगों ने ना यही सोचा था कि ये एक फुल एक्शन मूवी होगी। मैंने भी यही सोचा था, लिटरली मैंने भी यही सोचा था कि एक फुल एक्शन मूवी होगी। बट जब मूवी रिलीज़ हुई, मूवी लोगों ने देखा, मूवी देखने के बाद पता लगा भाई कि ये मूवी फुल एक्शन तो है ही इस मूवी में, बट इस मूवी में जो शाहरुख खान ने मैसेज दिया है ना, हमें जो हमारे लिए मैसेज छोड़ा है ना, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें इस टाइम उस मैसेज, जो मैसेज शाहरुख खान ने दिया है ना हमें, उस चीज़ की हमें लिटरली नीड थी। तो शाहरुख खान ने ना हमारी नीड को समझा, हमारी ज़रूरतों को समझा और उस ज़रूरत के हिसाब से हमें एक मैसेज दिया है। शाहरुख खान ने दिखाया है कि किंग इज़ किंग, किंग तो किंग है। एंड शाहरुख खान ने एक चीज़ और बताई है, जो शाहरुख खान ने हमसे वादा किया था कि बॉलीवुड की जो जिम्मेदारी है वो हमारे सरों पे है। शाहरुख खान, सलमान खान ने जो ये इस चीज़ की जो एक कसम ली थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, शाहरुख खान ने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। भाईजान से उम्मीद है, भाईजान की जब मूवी आएगी तो देखते हैं क्या है। फिलहाल अभी हम जवान के बारे में बात करते हैं। तो शाहरुख खान ने जो हमें अभी दिया है ना इस मूवी के थ्रू, उससे ये दर्शाया है, इससे ये बताया है कि बॉलीवुड की एक्चुअल पावर ये है। अगर बॉलीवुड चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बट बॉलीवुड इस समय अपने आप को बिल एक होता है ना कि नचनिया बना लिया है बॉलीवुड ने अपने आप को। तो बॉलीवुड चाहे तो अपने आप को क्या से क्या बना सकता है, बट बॉलीवुड अगर चाहे तो।
शाहरुख खान ने ये चीज़ बता दी है और बॉलीवुड को एक नसीहत दे दी है। इस मूवी के थ्रू बॉलीवुड को भी एक नसीहत दी है शाहरुख खान ने कि अपनी अहमियत को समझो, अपनी रिस्पेक्ट को समझो, अपने आप को समझो, तब तुम आगे सर्वाइव कर सकते हो, वरना जैसे आज तुम्हारी अहमियत है, आने वाले टाइमों में बॉलीवुड को लोग और बिल्कुल ख़त्म कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे, कोई भी बॉलीवुड को याद करना नहीं चाहेगा। तो शाहरुख खान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमें इस मूवी से, और जो हमारी उम्मीद थी कि मूवी ऐसी होगी, जैसे मेरी उम्मीद थी 100%, तो हम मूवी जो आई है वो 200% आई है। ये मूवी बहुत अमेजिंग मूवी है, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, अगर मैं एक्चुअल में इस मूवी की पूरी प्रॉपर तारीफ करना करना स्टार्ट कर दूँ और शुरू कर दूँ तो वीडियो जो है ना वो घंटा प्लस हो जाएगी, बट मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ, एक ओवरऑल सब कुछ बताऊँ कि मूवी जो है ना वो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें जो रोल किया है सिद्धूपति ने, जो विलन का रोल किया है भाई, वो अमेजिंग है। लुक से लेके हर एक चीज़, मूवी की हर एक चीज़, म्यूज़िक ले लो, सिद्धूपति का रोल ले लो, शाहरुख खान का जो बाप का बेटे का रोल है भाई, अमेजिंग रोल है यार, क्या कमाल किया है भाई, मज़ा आ गया भाई। उंगली का पावर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस उंगली में हमारे कितना पावर है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को हम समझ गए तो अपनी अहमियत को समझ जाएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस मूवी से बताने के लायक, बट मैंने आपको इतनी चीज़ें जो बताई हैं ये इनफ होगी आई थिंक आप सबके लिए। और अगर आप सबको इस मूवी से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें चाहिए डिटेल्स में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ पे और डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। एंड अभी भी मैं जवान का जो अपडेट है उसमें ही लगा पड़ा हूँ कि जो जवान की अपडेट जो आ रही हैं उस चीज़ पे ही मैं मेरा और कोई काम नहीं, इस समय जवान की अपडेट्स ही मैं ढूँढ रहा हूँ। तो ये रही मेरी जवान से रिलेटेड जो मेरी थिंकिंग है, मेरी जो मैंने देखा जवान में, जो फील किया, एंड ये फाइनली जो मेरा रिव्यूज़ है जवान के लिए ये था। तो आप अपना जो रिव्यूज़ है, आपके जो दिल की बातें हैं जवान से रिलेटेड, आप कमेंट जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपनी दिल की भड़ास निकालें, अपनी जो भी दिल में बातें हैं दिल में जवान से रिलेटेड वो सारी बातें मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोग जवान के बारे में क्या थिंकिंग रखते हो और जवान से आप लोगों ने क्या सीखा, जवान देख के आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, जवान में जो शाहरुख खान ने एक्चुअल मैसेज हमें दिया है वो आप लोगों ने वही देखा या कुछ और ही देखा। बिकॉज हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, हर कोई अपने अपने नज़रिए से हर वीडियो को, हर मूवी को देखता है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, भर भर के कमेंट्स करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी अहमियत को समझें और मेरी अहमियत को भी समझें, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।